नमस्कार, मैं डॉक्टर राम सिंह मीना, कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी एट अपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आज हम आप सभी को न्यूक्लियर मेडिसिन और पेट सिटी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और इसमें होने वाली जांच के बारे में ब्रीफ में बताएंगे, जिसमें कि जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन नेम इटसेल्फ न्यूक्लियस से निकलने वाली रेज को हमारी मशीन जैसे गामा कैमरा और पेट सिटी स्कैन उनको डिटेक्ट करते हैं और उनसे इमेज बनाई जाती हैं, जिससे स्कैन की रिपोर्ट इंटरप्रेट की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंतर्गत बहुत ही सूक्ष्म और ट्रेस अमाउंट में रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट्स को इंजेक्ट किए जाते हैं, या उनको खाने के लिए पानी के साथ, या कभी कभी इनहेलेशन के मेथड से दिया जाता है, जो कि मरीज के शरीर में जाके स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर एक्युमुलेट होके उनका इमेजिंग किया जाता है। अब हम बहुत ही ब्रीफ में पेट सिटी के बारे में क्या प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उनको बताएंगे। पेशेंट्स की प्रिपरेशन के लिए मरीज को पेट सिटी स्कैन के लिए कम से कम 6 घंटे खाली पेट होना पड़ता है। शुगर, फास्टिंग शुगर मरीज का इसमें 180 से 200 के नीचे होना चाहिए। मरीज को यूरिया क्रिएटिनिन ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेके आना होता है, जिसके बेसिस पे हम मरीज को आईवी कंट्रास्ट और ओरल कंट्रास्ट देते हैं, जो कि सीटी स्कैन की इमेजिंग के लिए जरूरी होता है। और मरीज को पिछले 24 घंटे में कम से कम एक्सरसाइज और हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर मस्कुलर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ प्री रिक्विजिशन होती हैं जो कि पेट सिटी FDG पेट सिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हम जैसे ही मरीज हमारे डिपार्टमेंट में आता है तो उसके ब्रीफ हिस्ट्री लिया जाता है, पहले का जो ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन सारा रिव्यू किया जाता है, एंड उसके बाद पेशेंट को प्रिपेयर करके उसको जैसे ही हमारे पास FDG पहुंच जाता है तो उसको इंजेक्ट करके पेशेंट को 45 से 60 मिनट पर तक रेस्टिंग पोजिशन में आराम बैठाया जाता है। तो उसके बाद में जब मशीन पे स्कैन के लिए लिया जाता है तो उसमें लगभग 20 से 25 मिनट स्कैन में लगते हैं, और स्कैन होने के बाद में जैसे इमेज बन जाती हैं उसको एक बार देखकर पेशेंट को फ्री कर दिया जाता है कि हाँ, आपका स्कैन हो गया, आप जा सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ कंट्राइंडिकेशन होते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए गामा कैमरा और पेट सिटी दोनों इमेजिंग्स आर टोटली कंट्राइंडिकेटेड, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल का हम स्कैन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट का स्टाफ द्वारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कंफर्म किया जाता है, कोई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी सब कुछ पहले कंफर्म करके तभी पेशेंट को स्कैन के लिए लिया जाता है। ये तो हुआ प्रोसीजर और प्री रिक्विजिशन और उसके बाद इमेजिंग। तो पेट सिटी किस किस इंडिकेशन के लिए किया जाता है? मेनली ऑन्कोलॉजी सेटअप में कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के लिए पेट सिटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। अभी आज के दौर में ऑन्कोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पेट सिटी एक हो गया है, जिसमें कि पेट सिटी में लेग पेशेंट्स का अर्ली स्टेजिंग, जैसे ही पेशेंट का मतलब कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसका होल बॉडी पेट सिटी एडवाइज किया जाता है, जिसमें कि पेशेंट का स्टेज पता चलता है कि किस स्टेज में पेशेंट है। वो पेशेंट को केवल प्राइमरी साइट पे है, उसके अलावा लोको रीजनल मेटास्टेसिस फैल गया है या फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया है, उसके बेसिस पे मरीज का केवल सर्जरी करना है, सर्जरी के साथ कीमो देना है या रेडियोथेरेपी भी देना है। इसके डिसीजन के लिए, स्टेजिंग के लिए पेट सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। एक बार जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद में बीच में रीस्टेजिंग के लिए पेट सिटी एडवाइज किया जाता है कि ट्रीटमेंट का कितना असर मरीज की बीमारी के ऊपर आया है, कम हुआ है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बेसिस पे दवा चेंज करना, कीमोथेरेपी ड्रग चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है और उसके बाद में सर्जरी प्लान की जा सकती है। तो रीस्टेजिंग एंड देन कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट के बाद में भी पेट सिटी एडवाइज किया जाता है कि पूरा बीमारी ख़त्म हो गया या नहीं हुआ है, तो उसको देखने के लिए लास्ट पेट सिटी किया जाता है। एक बार मरीज का कैंसर टोटली ठीक हो गया है, उसके बाद में भी समय समय पर पेट सिटी एडवाइज किया जाता है कि कहीं दोबारा होने का कोई चांस तो नहीं है, तो उसको देखने के लिए पेट सिटी एडवाइज किया जाता है। तो मरीज को
जरूरत के हिसाब से अपने रेफरिंग डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा पेट सिटी समय समय पर एडवाइज करके उसका ट्रीटमेंट के लिए सही उपयोग किया जाता है। अभी हम एक FDG जो कि बहुत ही कॉमनली यूज्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल पेट सिटी के लिए है उसके बारे में ब्रीफ में बताएंगे कि इट इज़ ए फिजियोलॉजिकल एजेंट। उसमें F18 रेडियो ट्रेसर को FDG फ्लूरोडीऑक्सीग्लूकोज को अटैच करके F18 FDG के फॉर्म में रेडियो फार्मास्यूटिकल तैयार किया जाता है जो कि एक फिजियोलॉजिकल एजेंट है। इनको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दिया जाता है जिससे कि रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ही कम होता है, तो इससे बार बार पेट सीटी करने से बहुत ज़्यादा रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, इससे मरीज को घबराने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसमें देखा जाता है कि बेनिफिट वर्सेज रेडिएशन एक्सपोजर दोनों में बेनिफिट्स को मेरिट्स में लेते हुए पेट सीटी मरीज के इलाज के लिए उपयोगी है, इसीलिए पेट सीटी बार बार एडवाइज किया जाता है। F18 FDG के अलावा हम लोग F18 लेबल PSMA और गैलियम 68 PSMA, गैलियम डोटानोक पेट सीटी, ये अलग अलग टाइप के कैंसर्स के लिए जैसे कि PSMA पेट सीटी प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है, गैलियम डोटानोक और गैलियम डोटाटेट पेट सीटी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के लिए किया जाता है। तो ये कुछ अलग रेडियो फार्मास्यूटिकल हैं जो कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के कैंसर्स के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। देन ऑन्कोलॉजी के अलावा कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी के लिए भी पेट सीटी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कार्डियोलॉजी में मायोकार्डियम वायबिलिटी के लिए मरीज का वो कार्डियक पेट सीटी किया जाता है जिसमें ये देखा जाता है कि इस्कीमिया और इन्फेक्ट के बाद में मरीज की मायोकार्डियल वाल वायबल है या नहीं, बेस्ड ऑन दैट मरीज को रिवेस्कुलराइजेशन स्टेंटिंग किया जा सकता है या फिर बाईपास सर्जरी करना पड़ता है, तो उसका डिसीजन के लिए मायोकार्डियल वायबिलिटी स्कैन पेट सीटी के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी में ब्रेन इमेजिंग लाइक F18 FDG ही इंजेक्ट करके मरीज का मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन देखा जाता है जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन में कितना अपटेक हो रहा है, लाइक अल्जाइमर्स डिजीज, स्ट्रोक और एनसेफेलाइटिस, ऐसी कुछ बीमारियों में F18 FDG का काफ़ी उपयोग है। तो न्यूरोलॉजी में भी इसका काफ़ी उपयोग है, बट मेनली आज के दौर में ऑन्कोलॉजी सेटअप में बहुत ज़्यादा पेट सीटी का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।